दोस्तों आजकल हम सभी लोग मोबाइल तो यूज करते ही हैं, साथ ही साथ में अपने मोबाइल में ऐसी बहुत सी चीजें रखते हैं कि हमारे बिना कोई दूसरा उनके बारे में ना जान सके, जैसे बड़ा भाई, फादर या मदर या और भी कोई। इसके अलावा हम इंटरनेट पर भी बहुत कुछ देखते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे सिवा किसी को इन बारे में पता चले। अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन जो एकदम सिक्योर है, बिल्कुल सिक्योर है। आप अपने मोबाइल में कोई भी फाइल या इंटरनेट अगर यूज करते हैं और उसे दुबकाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। आपको एक कैलकुलेटर जैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें एक कैलकुलेटर ही मिलेगा। जैसे आप, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, 5 + 5 = 10। आप देखिए बिल्कुल एकदम ये कैलकुलेटर है और इसी के अंदर जो है आप अपने किसी भी फोटो को और ब्राउजर को, हाँ दोस्तों आप इसमें ब्राउजर भी है, अगर आप एक इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आप एक इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी फाइल, कुछ भी वीडियो या कुछ भी फोटो इसके अंदर हेड इन कर सकते हैं। और दोस्तों ये एकदम बिल्कुल सिक्योर है और यहाँ पे आपके सिर्फ 2 पासवर्ड होते हैं, डबल पासवर्ड, और कोई भी अगर आपके पहले पासवर्ड को पता कर ले तो फिर भी वो इसे ओपन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें शुरू से बताता हूँ। आपको आना है प्ले स्टोर पे। जैसे मैं प्ले स्टोर पे आया और इसका एप्लीकेशन का नाम है KYMS, कीप योर मीडिया सेफ। तो मैं यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे ओपन करके। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ 4 नंबर का, और देखिए 5252। इसके बाद आपको इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कन्फर्म योर पिन, आपको दोबारा से वही नंबर डालना है। तो मैं यहाँ डालता हूँ 5252 और फिर इसके बाद इक्वल, और यहाँ पे देखिए योर पिन हैज बीन सेव हो चुका है। तो इसके बाद हमें अब एक और दूसरा पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 6 नंबर का एक पासवर्ड दोबारा से डालना है। तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक हिंट देनी है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आप एक हिंट से सहायता ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राघव। इसके बाद डन पे क्लिक। तो आप देख रहे हैं ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है हमें अर्चीव का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर जो प्लस का निशान देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे एक अपना एक फोल्डर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ राघव। तो यहाँ पे आप कोई भी फोटो या वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड मीडिया का ऑप्शन। आप जैसे ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए टैग ए फोटो, रिकॉर्ड ए वीडियो, लोकल फाइल, आप कोई भी अपनी फोटो वीडियो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसमें आप और भी कोई फोल्डर बना सकते हैं। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है ब्राउजर का। जैसे आप ब्राउजर पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं ये ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा FB और यहाँ पे देखिए Facebook ये आ चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि काम करता है। आप इस तरीके से ब्राउजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें डाउनलोड का है। जैसे हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी डाउनलोड चीज से आपके गैलरी में नहीं जाएगी। और इसके बाद जो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड दोबारा से चेंज करना चाहें तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे दोबारा से ओपन करके दिखाता हूं कि आप इसे दोबारा से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन आ चुका है। तो आप देखिए ये एप्लीकेशन है बिल्कुल एकदम कैलकुलेटर की तरह। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपको बिल्कुल एकदम कैलकुलेटर की तरह मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ 5 6 + 5 6 = तो आप देखेंगे 112 यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हैं तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ
इक्वल पे लिखने के बाद देखिए दोबारा से पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड मेरा वो है जो मैंने 6 नंबर का पासवर्ड डाला था, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ओके पे मैंने क्लिक किया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एकदम सिक्योर है, और एकदम इतना सिक्योर है कि इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता है। तो आप देखिए फिर से आप अपनी कोई भी अगर फाइल फोटो दिखाना चाहते हैं तो आप अर्चीव पे क्लिक कीजिए, अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो ब्राउजर पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।